हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पोहे बनाने की रेसिपी। इसके लिए मैंने लिया है लगभग एक बाउल धुले हुए पोहे, जिसे मैंने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है, और इसे आप प्लेट में फैला लेंगे तो ये इसका गीलापन ख़त्म हो जाता है। सब्जियों में मैंने लिया है दो कटे हुए प्याज, एक टमाटर, छोटी सी फूल गोभी कटी हुई, एक गाजर कटे हुए, 5 से 6 बीन्स के टुकड़े, आधी शिमला मिर्च, 2 हरी मिर्च, लगभग आधी छोटी बाउल मटर। मसाले में मैंने लिया है 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 नींबू का रस, 1/2 टीस्पून चीनी, स्वादानुसार नमक, मूंगफली। तड़के के लिए मैंने लिया है 1 टीस्पून राई के दाने और 8 से 10 कड़ी पत्ता। गार्निशिंग के लिए मैंने लिया है धनिया की कटी हुई पत्तियाँ, सेब, अनार के दाने और तलने के लिए ऑयल। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पैन में ऑयल को गर्म करते हैं। जब तक हमारी ऑयल गर्म हो रही है, तब तक मैं पोहे में थोड़ी सी चीनी और नमक मिला लेती हूँ। ये मैंने 1/2 टीस्पून नमक, चीनी, इसे डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और मैं इसमें ये लेमन जूस, जो नींबू की रस मैंने निकाली थी, वो भी इसे डाल लेती हूँ। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ऑयल हमारी गर्म हो चुकी है। सबसे पहले हमें इसमें मूंगफली को रोस्ट करना है। आप चाहें तो आप ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। मूंगफली को हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे कम से कम 3 मिनट के लिए भून लेना है। मूंगफली हमारी रोस्ट हो गई है। अब मैं इसे बाउल में निकाल लेती हूँ। मूंगफली निकालने के बाद मैं अब इसमें डालूंगी ये सरसों के दाने। और जैसे ही ये गर्म हो जाए, हमें इसमें डालना है कड़ी पत्ता और प्याज, हरी मिर्च। इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए भून लेना है। प्याज जैसे ही ट्रांसपेरेंट हो जाए, हमें इसमें टमाटर को छोड़कर सारी सब्जियां डाल लेनी है। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। और अब मैं इसमें लगभग 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक की डाल देती हूँ। इन्हें हमें 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाना है, ताकि सारी सब्जियां अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। सारी सब्जियां अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। हमें इन्हें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाना है। अब मैं इसमें कटे हुए टमाटर डाल देती हूँ। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अब मैं इसमें ये पोहे डाल रही हूँ। इसे हमें
अच्छे से मिक्स कर लेना है। सब्जियों में पोहा डालने के बाद हमें इसे बहुत ज़्यादा देर तक गैस पर नहीं रखना है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और मैं इसमें लगभग हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और अब इसमें रोस्टेड मूंगफली डाल लेते हैं। ये देखिए हमारे पोहे कितने खिले खिले बने हैं। और अब मैं फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ। इसे मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमारा पोहा बनकर बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ और फिर इसे गार्निशिंग करूँगी। गार्निशिंग करने के लिए सबसे पहले मैं इस पर धनिया की पत्तियाँ डाल देती हूँ और थोड़े से अनार के दाने। और फिर सेव, आप चाहें तो आलू की या बेसन की भुजिया भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारा पोहा बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। मैंने इसे धनिया पत्ता, अनार के दाने और सेब से गार्निश किए हैं। यदि आपको इसे बनाने का मेरा तरीका पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।